और ये दो बच्चे। बच्चों किधर तुम आए हो? इंडिया से। अबे इंडिया से तो मैं भी हूँ, मैं भी इंडिया में ही हूँ। कहाँ से आया? कहाँ से आए? जलंधर से आए हो? फिर कहाँ से आए हो? यूरोप की किसी कंट्री से कम नहीं है गुलमर्ग भी। ये देखो ना, ब्यूटीफुल लग रहा है यार, जबरदस्त। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपने थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा हम कहाँ जा रहे हैं। तो फिर से हम जा रहे हैं गुलमर्ग, वो भी मगर इस टाइम हम नाइट कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। हमारे लिए तो देखो घर की मुर्गी दाल बराबर है, हमें गुलमर्ग इतना जाते आते नहीं थे पहले। बट जो लास्ट वीडियो में जो रिस्पॉन्स मिला ना गुलमर्ग का, तो मैंने सोचा एक और वीडियो बना लेते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं अच्छे से वीडियो में, और नाइट कैंपिंग भी करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखते हैं लोगों को कैसा कैसी लगती है वो वीडियो। तो उसी हिसाब से हमने वो मेंटालिटी बना के अभी आज जा रहे हैं। सारा सामान पैक है, कैंप्स मतलब बारबेक्यू नहीं करता भाई मैं, ये पहले बात बता दूँ। जो पिछली वीडियो में आपने देख लिया लद्दाख वाली में, जिसने नहीं देखा वो देख लेना, मुझे नहीं आता बारबेक्यू बनाना, वो कोयले वोयले फूकना वो सब दिल्ली वालों का काम है और मेरे दोस्तों का कश्मीर के, मुझे नहीं आता ये सब। तो अब विदाउट बारबेक्यू हम खाना पीना वहीं करेंगे, रहेंगे वहीं रात को, सब कुछ साथ है हमारे। तो रोड तो भाई सेम ही रूट ले रहा हूँ क्योंकि यही रोड एक अच्छा रोड है। बाकी चार पांच रोड जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जिसने नहीं देखा वो देख लेना, जो लास्ट वाले हमारे घर की तरफ से निकलते रोड, वो सारे ख़राब रोड हैं, अभी बन रहे हैं वो एक्चुअली। तो हम इसी रोड से जाएंगे जिससे हम लास्ट टाइम गए थे। तो ज़्यादा रोड नहीं दिखाऊंगा, तो सीधा हम चलते जाते हैं, फिर देखते हैं आगे कैसा रहता है। तो बाकी मिलते हैं रास्ते में, दिखाते थोड़ा और, क्योंकि पिछली बार जब मैं गया था G20 नहीं हुआ था, तो इस बार G20 की वजह से थोड़ा इंप्रूवमेंट और हुआ है, सड़क वड़क सही कर दी उन्होंने, थोड़ा गेटअप थोड़ा चेंज करा है, तो वो दिखाते हुए चलते हैं। ठीक है, चलिए फिर। तो हम आ गए लास्ट वाले स्पॉट पे जहाँ पे लास्ट टाइम हम रुके थे, जहाँ पे हमने ये वाला स्पॉट दिखाया था मैंने आप लोगों को दूर से ही। तो आज ऊपर ही जा रहे हैं सीधा, क्योंकि आज टाइम बहुत है। टाइम देखो क्या हो रहा है, 11:40 हो रहे हैं, तो टाइम बहुत है हमारे पास। तो ये देखते हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। शांति देखो, आवाज़ ज़बरदस्त। तो ये वही वाला पॉइंट है जो मैंने लास्ट टाइम नहीं दिखाया था वीडियो में। इतना खूबसूरत लग रहा है व्यू, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है। और वो जा रहा है रोड गुलमर्ग को, और हम कहाँ खड़े हैं? ये अंकल खड़े हैं यहाँ पे, ये वो वहाँ से आए हूँ, वो खड़ी मेरी गाड़ी। तो भाई लोग अभी जस्ट पहुंचे हैं गुलमर्ग। मैंने गाड़ी पहले साइड में लगाई, मैंने बोला पहले वीडियो दिखा दूं थोड़ा सा। ये देखो मंदिर में तो बहुत ज़्यादा रश था, अभी जस्ट देखा मैंने, बहुत बहुत लोग जा रहे हैं यार। ये देखो अभी यहाँ से हम निकलेंगे और यहाँ से घूमते हुए वो गंडोला के पास, ये है गंडोला, वहाँ पे है। तो टिकट्स तो हमारे पास है नहीं भाई, गंडोला तो इस बार होने से रहा, बट ये है कि कैंपिंग करेंगे आज, फुल नाइट यहीं पे स्टे होगा हमारा। तो बाकी देखते हैं गुलमर्ग के नज़ारे हैं भाई, सही है। ऊपर स्नो है अभी भी, सेकंड फेज़ पे अब स्नो है, फर्स्ट फेज़ तो ख़त्म है। ये देखो यहाँ का चिल्ड्रन पार्क है गुलमर्ग में, और यहाँ पे देखो रश कितना है। अभी मैंने पार्किंग की वीडियो नहीं बनाई, बहुत ज़्यादा वहाँ पे गाड़ियाँ थी। तो अभी हम जा रहे हैं लोकेशन ढूंढने के लिए जहाँ पे हम कैंप लगा सके। वो जस्ट लगाई हमने गाड़ी, और जगह ढूंढते हुए हम पहुंचे हैं। मैं दिखाता हूँ, ये दिखा रहा हूँ अभी, ये देखो अभी हमने टेंट वेंट कुछ नहीं लगाया, अभी जस्ट हम बैठेंगे यहाँ पे। ये देखो जस्ट हमें खाना खाना है, अभी थोड़ा सामान निकाला है, खाना खाएंगे उसके बाद शाम को देखेंगे टेंट लगाएंगे। अभी हो रहा है 1:15, तो उसी हिसाब से देखेंगे क्या होता है। आलिया बना दे यार सूप, एक बना दे बस, पहले फिलहाल तो मैं सूप ही पीऊँगा। तो अभी सूप बनाएंगे, मैं तो नॉर को सूप ही पीऊँगा, और अपना खाना भी है, वो भी गर्म करना है, खाना है बस। ये देखो बाकी पानी है यहाँ पे, अरे गया था मैं,
बहुत ज़्यादा रश है आज गुलमर्ग में। ये देखो, ये हम हैं अभी लैपर्ड वैली में। यहाँ से स्ट्रॉबेरी वैली वो रही है वहाँ कॉर्नर पे, ये है, ये मेरी, ये है, ये वाली जो है ये है स्ट्रॉबेरी वैली, और ये सारे को बोलते हैं लैपर्ड वैली भी, क्योंकि यहाँ से ख़तरा है आने का इनका, लैपर्ड्स का। तो बाकी अपनी गाड़ी तो वहाँ लगाई हमने, अभी टेंट का कोई डिसाइड नहीं करा कहाँ पे देंगे कहाँ पे नहीं देंगे, बट देना तो यही है क्योंकि पानी यही है गुलमर्ग में और कहीं पानी नहीं है। तो यहाँ पे एक और जगह है, क्या कहते हैं उससे, बुदा पथरी करके, तो बट वहाँ पे एक सीन है, यहाँ से परमिशन लेके और फिर वापस आना है 4 बजे से पहले पहले। आप वहाँ पे नाइट स्टे नहीं कर सकते, मतलब आप कैंपिंग वगैरह नहीं कर सकते, अंडर आर्मी है वो, तो सही है ठीक है, वहाँ 4 बजे तक आप चले जाओ अगर आपका डे ट्रिप है तो, वहाँ से होकर सब कुछ खाना वाना बना के अगर हो या कुछ खाना साथ हो तो वहाँ खा के आप लंच वगैरह करके आ सकते हो वापस। बट यहाँ पे सही है, सीनिक लग रहा है, यहाँ देखो पीछे स्नो कैप माउंटेन्स, बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, ज़बरदस्त। ये यहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं जस्ट राइट बिहाइंड मी, वो उसके पीछे वो भी खा रहे हैं, और ये सामने भी खा रहे थे अभी लोग कुछ खाना। वैसे टाइम हो गया ना खाने का, तो अभी हमारा, मैं तो सूप पीऊँगा, एंड आलिया देखो क्या खाएगी, आलिया ने शायद मैगी खानी है, पास्ता खाना है, क्या खाना है, क्या चाहिए, बैग दूँ, ठीक है। तो बाकी सीन ये है कि पानी वाली जगह चाहिए होती है आलिया को स्पेशली, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उस एज सच, मुझे खाना बनाना, हाँ उसको क्या बोल रही है, क्या बोल रही है, खाना बनाना होता है ना इसीलिए मुझे पानी वाली जगह पास चाहिए होती है। हाँ तो बर्तन तो मुझसे धुलवाती है फिर बाद में, ये सही नहीं है। लास्ट टाइम हम गुरेज गए थे तो उस टाइम क्या हुआ, जब हम गुरेज गए थे तो सारे बर्तन मैंने ही धोए थे भाई, सारे के सारे बर्तन धुलवाए थे इनने, मुझसे पानी नज़दीक था तो बस फिर मैंने सारे बर्तन धोए थे। कितनी चीज़ें बनाई थी मैंने वहाँ पे, हाँ तो वो इस साल भी दिखाएंगे ना, दिक्कत थोड़ी है उसमें, कुछ पानी चाहिए इसमें, हाँ। कितना वो बड़ी बॉटल, ये बन गया हमारा सूप, एंड अब हम इसको पीने वाले आप बोलने वाले तो खाने वाले हैं। नहीं पियेंगे मुझे लगा शायद खाओगे, नहीं ठीक है इतना काफी है, ज्यादा गर्म है ना भाई, और क्या, देसी जुगाड़ अपना, ये देखो क्या करा है मैंने, ये देखो इसमें कोल्ड ड्रिंक है, दूध है, दही है, 2 पत्थर साइड से लगा दिए, पानी आ रहा है, ठंडा रह रहा है, ये बिल्कुल चिल्ड पानी है, ये इसमें सही रहेगा। आलिया ने बोला था गाड़ी में रखने के लिए, मैंने बोला देखो मैं दिखाता हूँ तेरे को देसी जुगाड़ अपना, देसी जुगाड़ लगाया ये, अभी अभी सूप कंप्लीट ही नहीं हो रहा, अभी पी रहे हैं, अभी हम कभी बादल आ रहे हैं कभी धूप हो रही है, सही है, ऐसे यहाँ मज़ा आ रहा है, शाम तक यहीं बैठने का इरादा है हमारा। तो जस्ट सूप कंप्लीट करा है, अब वो आगे जगह है ना दिखा रहा हूँ, यहाँ पानी कुछ उन्होंने डैम जैसा बनाया हुआ है छोटा सा, अभी वो उसी जगह जा रहा हूँ देखने के लिए क्या है वहाँ पे, और ये पूरा जंगल है यहाँ, यहाँ से चढ़ते हैं, ये देखो गुलमर्ग गंडोला के बगैर भी बहुत कुछ है यार करने को, यहाँ पे वाकई बहुत खूबसूरत है, बट यहाँ से रास्ता सही है, अच्छा चिल्ड्रन पार्क को जोड़ता है यहाँ से, हाँ समझ गया। ये डर रही थी, अच्छा ये देखो पानी में कूदोगे आप, अनस्टी पर शुक्र को देखो वो चिल्ड्रन पार्क है ये सारा, ये देखो झूला लगा हुआ है ये सारा, ये रास्ता जा रहा है चिल्ड्रन पार्क को यहाँ से ही, ये देखो इतना खूबसूरत व्यू है यार, माँ की कसम जबरदस्त लग रहा है ये, टूरिस्ट ज़्यादा
उसी तरफ रहते हैं, गंडोला वाली साइड राइड वगैरह करी एटीवी की, यहाँ को नहीं आते, यहाँ पे ज़्यादा लोकल्स ही आते हैं। ये देखो जबरदस्त, ये वहाँ से पानी आ रहा है, ये यहाँ से पानी आ रहा है और यहाँ इसमें जमा होके यहाँ से हमने छोटा सा बना रखा है, इससे पानी थोड़ा थोड़ा करके नीचे को छोड़ रहे हैं, स्ट्रीम जो बह रही है नीचे से, जहाँ हमने अभी सूपी है बैठ के। यहाँ बादल तो चढ़ गए बट आसमान, यहाँ देखो यहाँ क्लाउड्स नहीं है बट यहाँ पे क्लाउड्स हैं। अच्छा फेज़ वन और टू दिखा दो, टू दिखा दो, यहाँ से दिख जाएगा। ये जहाँ पे ये लगा हुआ है ना, ये टू है, ये फेज़ टू है, और कैसे दिखाऊँ, वन वाला, वन तो समझ लो जहाँ से ये बर्फ़ स्टार्ट हो रही है वहाँ पे वन है, और वो ऊपर फेज़ टू है, वही है। यूरोप की किसी कंट्री से कम नहीं है गुलमर्ग भी, ये देखो। क्या खा रहे हो? मैं खा रहा हूँ चिकन कोरमा, काजू चिकन कोरमा मिक्स है। अच्छा यहाँ पे तंदूरी नहीं मिलती तो हमें गिरदे से काम चलाना पड़ता है, बड़े गिरदे आते हैं 10 रुपए का एक, दिल्ली में तो वो मिलते हैं, तंदूरी रोटी मिलती है, यहाँ नहीं मिलती हमें तंदूरी के बगैर, ये गिरदा मिलता है यहाँ पे, उसी से खा रहे हैं हम, क्योंकि मज़ा तंदूरी से ही है, तो घर से लाए थे हम गिरदे, तो कोरमा खा रहे हैं अभी गुलमर्ग की वादियों में। तो अभी हमने लंच कर लिया, तो ये थोड़ा आगे आए हैं, यहाँ पे ये टेंट लगे हुए हैं, प्रॉपर्टी होगी किसी की लगाई हुई यहाँ पे टेंट्स वगैरह, तो यहीं पे जगह देख रहे हैं टेंट के लिए कोई अच्छी सी। वैसे जगह मिल गई हमें पीछे, एक जगह देख ली थोड़ा सा पीछे, अभी दिखाऊंगा आपको वीडियो में, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है गाड़ी लगानी चाहिए हमें साइड पे, क्या बोलती है आलिया? हाँ। यहीं पे लगाएं ना, तुम्हें पता है कौन सी जगह है? कौन सी जगह है? हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं, जब शादी के बाद हम लोग फर्स्ट टाइम गुलमर्ग है ना। व्हीकल मूवमेंट्स ऑन ग्रीन नॉट अलाउड, ये देखो यहाँ पे। हाँ शादी से पहले भी आए थे एक बार भाई साहब की गाड़ी में, शादी के बाद, सॉरी हाँ सोनू भाई भी थे उस दिन। कौन मारा मेरे को? जा भाई आगे ना, मजे आगे जाते रहेंगे तो क्या है? मुझे नहीं पता इससे आगे क्या है, मैं कभी गया नहीं। ये देखो लेवेंडर्स के फूल जो लगे हुए हैं यहाँ पे, रोड चल रहा है फिलहाल, आज चल के देख कर आते हैं। आज आगे जा रहे हैं बिल्कुल, ये ऊपर ये होंगे ना ये चरवाहे। हाँ वो चरवाहे देखना, यहीं तक है रोड, ये हमने गाड़ी लगा दी यहीं पे क्योंकि इससे आगे रास्ता नहीं है, ये लास्ट रोड है, मतलब ये एंड है इस रोड का बिल्कुल। यहाँ लेवेंडर्स लगाते हैं, ये देखो ऊपर दिख रहे हैं, ये बस यहाँ से कट खत्म। क्या नज़ारे हैं यार, बिल्कुल अल्टीमेट। ये स्टिकर नया चेंज कराया हमने, ये मैंने चेंज करवाया है, किसी ने स्क्रैच मारा है शायद। हाँ तो ये लोकेशन मिली है हमें ये बीचों बीच कैंप लगाने के लिए, क्योंकि जो ख़तरा है बियर वगैरह का वो कम हो जाएगा, क्योंकि पानी है बीच में, इस तरफ भी पानी और इस तरफ भी पानी है, बीचों बीच है, ये देखो इधर से भी एंड यहाँ से भी, तो यहीं पे लगाएंगे अभी कैंप सेटअप करेंगे यहीं पे। यही है यहीं पे लगाएंगे अभी, थोड़ा टेंट वगैरह सेटअप करते हैं, क्योंकि आलिया का यहाँ आने का ना दिक्कत बन रही है, वो कैसे आएगी, यहाँ क्रॉस करके आना पड़ रहा है। मैं अभी आया था, कहाँ से आया था मैं, यहीं से आया था ना कहीं से, मैंने ये क्रॉस करके क्रॉस करा जस्ट अभी, अब आलिया को कर रहे हैं, वो दिक्कत है बस।
तो ये हो गया हमारा सेटअप पूरा कंप्लीट, बहुत ही मशक्क़त के बाद ये हमारा आ गया बेडरूम, ठीक है। और आज नहीं हम जाने वाले कहीं, ये रहा अपना किचन, अभी ये सेट होगा क्योंकि हम खाना खा चुके हैं और भूख भी नहीं है। और ये दो बच्चे, बच्चों किधर तुम आए हो? इंडिया से। अबे इंडिया से तो मैं भी हूँ, मैं भी इंडिया में ही हूँ, कहाँ से आया? कहाँ से आए? जलंधर से आए हो? फिर कहाँ से आए हो? तो पंजाब तो जलंधर में ही है। जलंधर पंजाब में है ना? अच्छा क्या नाम है आपका ये बताओ। पूरा ऊंचा बोलना। आपका नाम क्या है? अच्छा जी, ये इनके आ गए मम्मी पापा भी, ये यहाँ पे टेंट सेटअप करेंगे। इनकी गाड़ी का ना टायर पंचर हो गया, ये देखो, और इनके पास स्टेपनी नहीं है, तो हमें वापस जाना पड़ेगा टंगमर्ग इनके लिए टायर पंचर बनाने के लिए। हम किचन यूज़ ही नहीं कर रहे, ओपन में ही सीधा चाय बनाने लग गए। देखो सीधा चाय बनाने लग गए यहीं पे, किचन को ऐसे रखा हुआ। हाँ ये देखो यहाँ तीन टेंट लग गए बैक टू बैक हमारे साथ ही, ये पूरी कॉलोनी होगी यहाँ पे। अब लकड़ी भी जमा कर रहे हैं बोन फायर के लिए, थोड़ी देर में करेंगे। तो ये रहा हमारा हाल बारिश में, देखो क्या बारिश हो रही है यहाँ। ये अभी थोड़ा मैंने खुदाई करी है यहाँ पे, ये देखो पानी निकालने के लिए, अभी पीछे से भी करना पड़ेगा इसके लिए, तो भैया ने हेल्प करी थोड़ी बहुत। ये देखो बारिश, अभी इसी बारिश में ही छाता लेके, अरे यार। तो ये देखो तीन टेंट लगाए हैं और एक टॉयलेट एक किचन, इसमें तो पानी चला गया नीचे क्योंकि ये ढलान पे है। अब इनका देख रहे हैं, अभी बस ये लाइन पूरी करनी है और इसके बाद यहाँ से भी, यहाँ अभी ओले भी गिरे हैं, अभी ओले बंद हो गए बट बारिश कंटिन्यू हो रही है यहाँ पे। तो चाय पीते ही हो गया ये सारा सीन, देखो और करो कैंपिंग। भाई साहब अरे आ रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा गीला हो गया तो टी शर्ट वीशर्ट चेंज करी, कपड़े चेंज करे, अभी अंदर आ गए। बारिश अभी भी हो रही है, ओले भी गिरे, बारिश भी हुई, अभी भी हो रही है बारिश बाहर। तो बाकी अभी इतना कोजी फील हो रहा है ना अंदर ब्लैंकेट में बैठ के, अब बहुत मज़ा आ रहा है लिटरली। यही होते हैं, यही मोमेंट्स होते हैं जो इंसान को ना इन्जॉय करने होते हैं। बाहर का मैंने वो सब कुछ लाइन बना दी, आधी लाइन उधर से बनाई, अभी यहाँ से नहीं बनाई, यहाँ ठीक है। अभी आएगा, वैसे पानी आता नहीं है इसके अंदर, ये वाटर प्रूफ है, बट स्टिल मैंने एक सेफ्टी के लिए शॉवल रखा हुआ है इन केस अगर मुझे लगता है किसी कॉर्नर से पानी आ रहा है, तो मैं लाइन बना खींच के उसको पानी को आगे कर दूंगा। बाकी सही है, यहाँ पे अभी हम लेटे हुए हैं, थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद हम डिनर बनाएंगे आराम से। ये देखो बारिश रुक गई अब यहाँ पे, ये देखो ऊपर, बारिश रुकने के बाद के नज़ारे ही अलग है। ये देखो गाड़ी हमने यहाँ रखी है, ये क्रॉस करके जाना पड़ रहा है पार, और जितने भी बार सामान लाना ले जाना कर पड़ रहा है गाड़ी में, वो मैं ही कर रहा हूँ, हाले तो क्रॉस ही नहीं कर पा रही। ये देखो अभी खाने की तैयारी कर रहे हैं, तो देखते हैं फिर कैसा रहता है, क्या बनाते हैं, अभी प्लान नहीं करा कुछ भी खाना बनाने का ना, देखते हैं। तो अभी हमारी बन रही है यहाँ पे आलू गोभी, भाभी डर रही है। ये हमारे साथ एक और फैमिली आई है, ये आए हैं पंजाब से। आप कहाँ से आए भैया? पंजाब से। पंजाब से आए हैं, ये लो। कहाँ से आए आप? पंजाब से। अच्छा पंजाब से आए हैं। जलंधर से? जलंधर। अच्छा आपके साथ बच्चे भी है ना? तो बच्चे, हाँ इनकी वीडियो मैंने बना ली है मैंने। तीन बच्चे। अच्छा तीन बच्चे हैं, हाँ ये भी तो है, ये भूल गए, ये भी है, तीसरा भी तो है, मैं भूल गया। हाँ एक सो रहा है अभी, तो अभी हम इकट्ठे हम खाना वाना एक ही साथ बना रहे हैं यहाँ पे गुलमर्ग में। तो ये है आलू गोभी, ये हमारी कॉलोनी है। ये हमारी कॉलोनी है, हाँ मैं पूरी कॉलोनी दिखा रहा हूँ। ये लो ये बच्चे, ये हमारी फ्रेंड्स कॉलोनी। रियल एस्टेट का अभी करेंगे स्टार्ट, रियल एस्टेट का भी। पहले ये दिखाता हूँ,
वाह, दो दो दिख रहे हैं यार। वाह 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 वाह, बारिश फिर होगी स्टार्ट। ये सही है, इन्हें पानी सुखा देना सारा। हाँ पानी सूख जाएगा ना इसका। हाँ ये देखो, ये देखो, वाओ व्यू देखो, क्या अल्टीमेट लग रहा है यार। अभी खाना बन रहा है हमारा, रोटी। हाँ भाभी रोटी बना रही हैं, हमारी आलू गोभी तैयार हो गई है। ये देखो ये दोनों। मैं कुछ नहीं करी, सभी रोटी की है। ये जल रहा है, जल रहा है, चल रहा है, वो आराम से चल रहा है वो। ये बन रही रोटियां यहाँ से, और यहाँ से भैया लगे बॉन फायर करने। सही है, हमारी दोनों लेडीज लगी हुई है काम में। मुझे पता है काम क्या लगता है, क्या बताओ क्या क्या। और ये रोटी बनती हुई, बच्चों को भूख लगी थी तो ये लोग पहले ही खाना खा रहे हैं, और यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है हमारा बॉनफायर। तो कैमरा उसको फ्लैश ऑन हो रहा है, और ये डिनर टाइम हो गया है स्टार्ट। आलू की तहरी, आलू ये मेरे फेवरेट आलू की तहरी, भाभी की बनाई हुई आलू गोभी रोटी और कोरमा, सब चीजों का मिक्सर। तो भाई ये तो जला नहीं, बहुत कोशिश करी, यहाँ पे 3-4 टेंट और लगे हुए हैं, उन्होंने भी ट्राई करा बट जला नहीं कुछ भी। तो ये हमारा टेंट हो गया, ये भैया वाले जा रहे हैं सोने के लिए, ये देखिए ये भैया। तो ये हमारा किचन हो गया पैक, सारा सामान बंद, सुबह के लिए फ्रूट वगैरह सब यहीं इसी में पड़ा हुआ है, तो अब इसको हम कर रहे हैं बंद, और अब हम जाएंगे सोने के लिए अंदर टेंट के। बारिश तो हो नहीं रही, आसमान कहाँ दिखेगा इसमें। तो अभी हम टेंट में आ गए हैं, तो अब सोने का टाइम है, आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।